السلام عليكم and welcome back to another vlog of Farhan's world. और आप कह रहे होंगे फारी किधर गायब हो गया? फारी इधर ही है, फारी इधर ही है, बट थोड़ा सा कैमरे से पीछे है। तो सीन कुछ यूँ है कि अभी आपका भाई सो शो के उठा, नमाज शमाज पढ़ी नहीं, तो नाश्ता करते हैं, और नाश्ता करने के बाद फिर हम आपको रेडी होके मिलते हैं। एक केस मेरे साथ रोज़ होता है सुबह सुबह, वो केस ये है कि मैं अपने शूज़ के अंदर अपनी शॉर्ट सॉक्स डाल के रखता हूँ, पता नहीं जिन हैं, भूत हैं, आत्माएं हैं, क्या है, कहाँ ले कर चले जाती हैं। रोज़ एक बेचारे मुझे न्यू सॉक्स का जो है ना पेयर निकालना पड़ता है। अभी ये दोबारा ये मनहूस, अभी इसको भाई आपका दोबारा करते हैं, करते हैं। हो गए हैं जी रेडी वेडी एंड लेट्स गो फॉर द यूनिवर्सिटी। और आज मैंने नोट किया मेरा कुछ आज ब्राउनी ब्राउनी सही, आज मेरा वो बन गया क्रीम कैमल, क्रीम कलर की शर्ट होगी, ब्राउन कलर की पैंट होगी, ब्राउन कलर की सॉक्स होगी, ब्लैक शूज़ हो गए। अब हम निकलते हैं पोयों की सर्विस में। प्लान बहुत एक्टिव चाहिए, उमर की कॉल आई, उमर कहते हैं मुझे पिक करना है, अभी हम उमर को पिक करने के लिए आए हो, और ये खड़ी है हमारी छोटी सी लारी। आ गया हमारा दुकान निकालना है, सवेरे सवेरे सामान करना है, चेक कर वो देखे, वो इधर दिखाओ, इधर दिखाओ मम्मा मेरी क्लासेस देना। ये आपको मैं वीडियो डाल के दिखाऊंगा, ये भाई ने जो एक एक्शन किया था उसका रिएक्शन ही आया। क्यों जी संगी जी, यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद जी हमें एक और शख्सियत मिली है, मलक उस्मान द ठेकेदार बॉय, द जी तेरा का सबसे बड़ा व्यापारी। मैं उड़ी उड़ी जावा हवा दे विच, चेक कर देखते हैं परवाज, ये वो जिम भी है हमारी यूनिवर्सिटी में, तो परवाज जिनों परवाज है ये तो जी एक आपको प्यारी शक्ल दिखाई मलक उस्मान की, उसके बाद मेरा एक छोटा सा दोस्त मतलब चगू अच्छा दोस्त आया, छोटा सा मुराद ये थी कि इसका ज़र्फ बहुत बड़ा है लेकिन कद छोटा, छोटा पैक बड़ा दिमाग का, क्या दिमाग, छोटे पैक जरा आप इसकी आवाज़ सुनाओ अपने दोस्त की, अभी आपको मैं छोटे पैक के YBR की आवाज़ सुनाता हूँ जरा। छोटे पैक ने बहुत शोर डाल दिया देखे, वो खुद बेचारा परेशान हो गया, वो कहता है ऐसी आवाज निकाली ये है वो चेहरा, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। देख मेरे कैमरे के सामने तेरा कितना फिट हो गया, चक्कर मैंने कहा दोबारा कर जा रहे हैं जी, हम जनरल प्रोफेसर शरफ की क्लास लेने के लिए, मेरे साथ उमर वसीम और BCRW की दो क्लासेस लेने के बाद अब मैं जा रहा हूँ फूसबॉल खेलने। यार इस तरह नहीं बोलते होते यार, आपको पता है भाई जी मेरी जो पब्लिक है ना मुझे कहती है यूनिवर्सिटी में व्लॉग्स बनाया करो, और मुझे आज तक पता ही नहीं है वो बंदा कौन है या बंदी वट एवर वो कौन है जो कहता है कि यूनिवर्सिटी में व्लॉग्स बनाया करो। तो सारी मान रही चेक करें आप, ये हमारे सर जा रहे थे इसलिए मैंने कैमरा फेर दिया, क्योंकि वो सर बहुत अच्छे हैं, तो जो सर अच्छे होते हैं मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उनके दिल से इज्जत करता हूँ, और जो फिर थोड़े से ख़राब होते हैं तो IMCBFIT4 में आप मेरा एक्स करियर देख सकते हैं, एक्स स्टैट्स देख सकते हैं मेरे। अड्डा दू आया संजय दत्त बच्चे फिल्म सीगी MCB में आपके भाई की बड़ी फिल्म थी, इन भाई की G10-4 थे आप, नहीं थी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी फिल्म नहीं थी जी थी आपने ये क्या ये फिल्म की है ना आपने यार, ये तो ये, मैंने आपको सुबह भी आपको दोबारा एक दफा और वीडियो ऐड करके स्लोमो में साथ एक मीम डाल के आपको हाई हो गई है। क्लासेस क्लूसेस लेके फूसबॉल जीत के अब घर जा रहे हैं। आज मेरे साथ जब ये खेलता है ना ये शख्स तो ये बहुत फारिग खेलता है, लेकिन जब यही शख्स मेरे मुखालिफ हो तो ये शख्स ऐसे खेलता है जैसे ये शख्स बहुत बड़ा प्लेयर है। है सीखा है ऐसी नहीं है मुझे फूसबॉल, बट माड़े नाल के मौत पैनी है पैजन तो सी आप सही नहीं खेल, मैं सही नहीं तो आई मी हमने छोड़ो बाकी बातें बिहाइंड द कर्टन, आपके खिलाफ आज हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोटेस्ट भी हो रहा है बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा स्टैंड विद क्या है फलस्तीन है फलस्तीन ये वो है ना आगे फिर ना आज जी ध्यान करना है कर रहे हो चेक करें जी लगे हैं जोर लगा के आइया। 7 सेमेस्टर गुजर गए हैं, 7 सेमेस्टर में एक दफ़ा भी बुक नहीं खरीदी,
और अभी एक सारा यहाँ जालिम उसने कहा बुक खरीदो और बुक के टोटल पैसे चेक करें कितने बने। उमर पर्ची दिखाना भाई, कभी जिंदगी में एक रुपये की किताब नहीं ली 7 semesters में, और अभी ये हमें कितने की 1,050 rupees की किताब लेनी पड़ रही है, वो भी प्रिंट हुई हुई। कहाँ का इंसाफ है ये माय लॉर्ड। तो पढ़ाई करने आए हो ना, पढ़ाई पे खर्चा करोगे ना, अजीब बातें करते हो। फीस देते हो? देता हूँ बावे कादरे का। फीस नहीं देते जी, हम लोग जरा स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, हमारी फीस नहीं देते। किताबों के पैसे भी नहीं देने करना कि यूनिवर्सिटी में आपने जरा 4 केस्टर लाइब्रेरी में 13,000 वाली वापस करो ना भाई जी। मैंने आपको बोला आप दे लो, आप नहीं दे रहे, आप आंटी ने बोला था मैं उसको। तो आप भाई जी मुझे भेजो ना आप को वाजी वाह है ठीक है ना। तो जी आ गए हम यूनिवर्सिटी से वापस और थक त्रुट त्रुट के अभी नमाज शमाज पढ़ी है, और आज है बर्थडे अयान की। आपको मैंने अयान से शायद ना मिलवाया हो, मैं मिलवा देता हूँ आपको एक सेकेंड। ओए मोटे इधर आ, अयान पहले इधर आना, प्यारा प्यूरा बनो। तो प्यारा बन के भी तूने क्या करना है, ये जी बर्थडे ये हुआ है कितने साल का हो गया, 17 साल का हो गया, और लगता है शक्ल से 22 साल का जवान है ये बोंगा। सच्ची बात है। और आज क्या क्या चक्कर है, किस किस ने पैसे दिए अभी तक? तो किसी ने नहीं, अभी तक कंगला ही बैठा हुआ हूँ मैं फिलहाल। केक काटना है आज, उम्मीद तो है। गोश्त लेके आया है, चिकन शिकन है, खाने शाने बनेंगे ना जी, खाने खाएगा। ये बर्थडे का बड़ा फायदा होता है, खाने शाने बड़े मजे मजे के बनते हैं। आज मेरी दुआ है कि चिकन शाशलिक बने, मजा आते बन जाए, मजा नहीं आ रही। चले जी तो अब आप थोड़ा सा सोते हैं, खाना शाना खाते हैं, और फिर हम आपको मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम। मैं सोना चाहता हूँ, घर वाले कह रहे हैं कि पहले केक कटवाओ इसका, मोटे का केक कटवाना पड़ेगा नींद को कुर्बान करके। केक शेक कटवाते हैं और फिर सोते हैं। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग लॉन्ग टाइम आज कुछ असाइनमेंट्स वगैरह आई हुई थी यूनिवर्सिटी की, वो जरा कैनी जी ने भेजी थी कि असाइनमेंट्स कर लो। कैनी जी एक्चुअली हमारी क्लास के टॉपर हैं, तो कैनी जो भी करता है वो हमारा मतलब कि जो भी क्लास वर्क होता है या जो भी घर के लिए काम असाइनमेंट्स ये वो क्विजेस या मिड टर्म्स इंटरनल जो मर्जी हो, कैनी हमें बाखबर रखता है अगले दिन इतने बजे क्लास है, यहाँ से यहाँ तक इतनी देर की ब्रेक है, ये वो है, ए टू जेड हर चीज़ बताता है। तो भी कैनी ने बताया कि कल मैक्रो इकोनॉमिक्स की असाइनमेंट चेक होनी है, तो मैंने कहा ओके। वो उसी की जिसकी मैंने आपको बुक दिखाई थी, वो सर दिमाग से फारिग है ऊपर से। खैर अभी असाइनमेंट करते हैं, बड़े से बाद ये चेक करें। आज मैंने बैग खोला, मैंने बैग में से तो इतना कुछ निकला है, ये जो है इसको निकाल दें साइड पे, इतना कुछ निकला है। अब आप लोग कहेंगे कि जर्सी फोड़ रही है ये, एक्सेल में ये एमरजेंसी के लिए जितना भी इक्विपमेंट होता है मेरे बैग में पाया जाता है, तो ये है बहुत ज़रूरी चीज़। एक्चुअली ये काम होता तो फूफों का है, लेकिन खैर ये मेरे पास भी है। सिगरेट नहीं पीता मैं, लेकिन ये पता नहीं क्यों है, लेकिन है, क्यों है लेकिन है। असाइनमेंट कर ही रहा था कि एकदम एक मनहूस शक्ल ने एंट्री ली, मेरे दरवाजे ने ठक 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 किया। मैंने बोला दरवाज़ा खुला हुआ है, और एक गरीब दोस्त मेरा मेरे सामने आ गया। और वो गरीब दोस्त आपको मैं दिखाऊँ, मेरा गरीब दोस्त दिखाऊँ, देखो ये है वो शख्स। मैंने क्या किया, मैं तो वीडियो देख रहा हूँ। तूने क्या किया, ये क्या है, ये क्या है, ये व्हाट द हेल इज दिस डूड। ये मेरे बाइक है, ये टॉम एंड जेरी कार्टून लगा दिया तूने यार। अबे बड़ा हो जा, बड़ा कद में भी छोटा, दिमाग में भी छोटा। वो नजर मजे का नहीं आ रहा था वॉलपेपर तो, नजर मजे का नहीं आ रहा था। ठीक है जी, खैर है, कोई बात नहीं, हो जाता। यार जेज पे मैंने अभी बड़ा, मुझे गुस्सा आया जेज के ऊपर। क्यों? एक वॉलपेपर जो मुझे पसंद आता, मैं वो वॉलपेपर जैसे ही खोलता हूँ उस वॉलपेपर को खोल के बैक करता हूँ, मतलब खोलने के बाद जब उसको देखता हूँ प्रॉपरली डेफिनेशन देखता हूँ उसकी, मजा नहीं आता। पिछले के लिए उसको बैक करता हूँ तो वो ऐड दिखा देते हैं 30 सेकंड का। इतने ज्यादा ऐड आते हैं तो वो तंग आ जाते हैं, इसलिए मैं खोलता ही नहीं। मैंने फिर पता क्या किया, मैंने ऐड खोले बगैर, मैंने ऐड जैसे ही आता है उसको मैं एप्लीकेशन को रिसेंट से उड़ा के दोबारा खोलता हूँ, फिर ऐड नहीं आता। और जैज वालों को मैं कहता हूँ बता कौन सा वाला लगाया जाए वॉलपेपर, टोमन वाला लगा दूँ। टोमन वाला, टोमन वाला लगा हुआ तो है, वो जेरी साथ है ना, तो खैर है, वो सिगरेट पी रहा है। चल लगा ले, ये लगा ले, ये देखते हैं। चल तू ये देख, आप भाई की राइटिंग चेक करें, फूल बरस रहे हैं ना,
ऐसे फूल जिसकी बर्थडे है वो ये घोड़े बेच के सो रहा है नशे की बर्थडे। आयान आयान अच्छा इसको मैं आपको, ओ भाई आवाज से नहीं उठता होता, ये मेरा भाई है। आयान 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 उठ जा उठ जा, जा इसको उठा। चक्कर कुछ ही हो गया जी, घर वालों को हो गया प्लान चेंज। आयान की थी बर्थडे, वो कह रहे थे कि कुछ खाना शाना बनाएंगे, खाना शाना से बनते बनते बात चली गई, वो कह रहे हमने खाना खाने केएफसी जाना है, मतलब के केएफसी जाना है, तो वो कह रहे हैं कि वहीं पे हम उसका केक काटेंगे, एक तीर से दो निशाने करने की कोशिश कर रहे हैं। बट मैं उनको फुल टाइम फिल्म कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं गोली डाल दूँ और मैं घर में रेस्ट करूँ, क्योंकि मुझे नहीं जाना बार बार, मैं नहीं जाना चाहता। तो ट्राई करूँ अपनी बेस्ट की गोली डालूँ, अगर गोली डाल दी तो फिर आपको पता लग जाएगा, और अगर गोली मैंने ना डाली तो आपको तब ही पता चल जाएगा। सो मिलते हैं हम KFC में या घर में, जहाँ भी तीर लगा। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गया हूँ वल्ला, मैं तुम्हें आपको क्या बताऊँ। मैं बाहर जाना है, सॉरी घर में खाना पकेगा, केक काटेंगे, बर्थडे सेलिब्रेट, पैम बर्थडे सेलिब्रेट करना ना हो गया, कोई एटॉमिक थ्योरी सॉल्व करने लग गए। बाहर जाएंगे, वहाँ जाके केक काटेंगे और फिर साथ उसको कहीं पे खाना शाना खा लेंगे। मैंने कहा ओके, उससे पहले मैंने घर वाली सिचुएशन पे भी कहा, मैंने कहा ओके। जिन सिचुएशन पर मैंने ओके बोला है, मतलब खब्बे की दिखा के सज्जे की मारी है, एकदम कहते हैं चलो इस तरह करते हैं, घर ऑर्डर कर लेते हैं और केक साथ काट लेंगे, दिमाग फट जाएगा मेरा, मैं आपको क्या बताऊं। मैं बड़ा तंग, जिंदगी झंड और बेरंग हो जाए ना, इंसान का दिल करता है। ऑर्डर आ गया जी, बाहर ऑर्डर लेने के लिए चले गए हैं भाई साहब, पता नहीं अब कहाँ गए हैं, घंटा हो गया वेट ही कर रहा हूँ। एक तो सारे सुस्त मेरे घर में ही पैदा हुए हैं। आ गया माल, आ गया ये लेने के लिए गया था, दो घंटे लगा के कितना था शॉपर लेने के लिए गया था। दफा हो जा तू, इसमें है क्या वैसे, दिखा जितना मुझे लग रहा है उतना नहीं आया, ये कम दे के गया यार जी, इतना ज़्यादा मैंने ऑर्डर किया था, ये तो एक बॉक्स में पूरा आ गया। केक काटना है, इस तरह बैठा तफे मार के बिठाया तुझे किसी ने, तेरी बर्थडे है जिगर, तेरा ही केक काटना है। चलो काटो यान। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, स्लो मोशन में काटने लग गया, हैप्पी बर्थडे। इसको लग रहा है चढ़ने मार के बिठाया किसी ने, तू केक काटेगा तो जाएगा। केक को काट लिया, मेरा ही हो रहा है अब, मेरे मुद्दे की चीज आ गई। सर में हो रहा था थोड़ा सा दर्द, तो मैंने एक छोटे शहजादे को बोला, मैंने कहा यार प्लीज सर की मालिश कर दे, तो वो कर रहा है। मैं कहता हूँ मजा आ गया, ऊपर से मालिश नीचे से चाय, इतनी सी जिंदगी मुझे चाहिए, इतनी सुकून दे लाइफ चाहिए बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। हाय हाय, वो बालों में ऐसे ऐसे करना, वो ऐसे ऐसे जिससे पूरे, मतलब पूरे हाथ बालों में, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ये देख ऐसे आए। पता है ये मैं बालों में हाथ, मेरा मतलब मेरा टर्न ऑन है ये बालों में हाथ फिरवाना, मुझे मैं बहुत चाहती है इससे, मतलब मैं अब आपको क्या बताऊँ, ये बालों में हाथ की बहुत बड़ी कहानी है। तो मैं जब भी अपने चाहने वालों से मिलता था ना, तो मैं उनको कहता था कि मेरे बालों में हाथ फिरवाने का बहुत मज़ा आता है, अल्लाह की कसम आपको मैं क्या बताऊँ, आप फील नहीं कर सकते मुझे कितना मज़ा। थोड़े से पंगे करते हैं कोको के साथ। तो जी कोको, कैसी हैं आप कोको? इधर देख कोको, तेरे साथ बात कर रहा हूँ, तुझे मेरी जबान नहीं समझ आ रही कोको? कोको कोको, नाराज है, चलें खैर कोई बात नहीं, बाद में इसका नंबर ट्राई करते हैं। अरे मैंने एडिटिंग के लिए मुझे हेडफोन्स चाहिए थे, वो दूसरे हेडफोन घर जो पड़े हुए थे वो भी अच्छे थे, बट वो मतलब एयरपोर्ट्स के साथ मैं कर रहा था अभी, मैंने दो हेडफोन्स जो हैं ये शायान के पास आया हूँ मैं, मतलब मेरे बड़े भाई के पास। मैं इससे सोच रहा हूँ कि अब ये देखें, अब इसके ऊपर ये पाकिस्तानी, इसके ऊपर ये शॉपर लगा हुआ है, और इसकी हालत देखें,
एंड्रॉइड डेवलपर के लैपटॉप की हालत देखें। ये जब नया नया G16 आया था 2 लाख रुपए का इसने तब लिया था, और इसने इसके साथ क्या किया, ये माँ बहन एक करके 15-15 फुट मिट्टी ऊपर आई। तो जी अब हमारा होता है यहाँ पर औकाते जिम। अभी हम जाएंगे जिम मुबारक, और जिम से आके थोड़ा सा डोले शोले बनाएंगे, शोल्डर की गेम लगाएंगे। सो अब हम आपको मिलेंगे जिम के बाद, या बल्कि हम इस तरह करते हैं कि आज का ब्लॉग हम यहाँ ख़त्म कर देते हैं। तो आज का ब्लॉग यहाँ करते हैं ख़त्म। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।